दोस्तों, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले वो स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट और ब्रीथिंग के साउंड को चेक करता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि आखिर स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने और क्यों किया था? देखिए, 1816 में रेने लैनेक नामक एक फिजिशियन ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। और स्टेथोस्कोप के इन्वेंशन से पहले डॉक्टर किसी मरीज की जांच के लिए उसके सीने के पास कान लगाकर उसकी धड़कनें सुना करते थे। लेकिन जब लैनेक हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रही एक महिला की जांच कर रहे थे तो उन्हें उसके सीने पर कान रखने में काफी शर्म महसूस हुई थी, जिसके चलते उन्होंने कागज को मोड़कर एक ट्यूब बनाई जिसका एक छोर महिला के सीने पर रखा और दूसरा छोर अपने कान पर, और इसी वजह से इन्हें स्टेथोस्कोप बनाने की इंस्पिरेशन मिली। नंबर 2, दोस्तों आपने कभी ना कभी HP और डेल के लैपटॉप तो चलाए ही होंगे, बट क्या आपने भी कभी यह सोचा है कि डेल और HP की फुल फॉर्म आखिर होती क्या है? वेल गाइस, डेल की फुल फॉर्म डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी होती है और HP की फुल फॉर्म ह्यूलेट पैकवर्ड। वैसे फेमस कार ब्रांड BMW की क्या फुल फॉर्म होती है, आप कमेंट्स में लिख के बताइए।